कबड्डी लीग का 10वां सीजन शुरू होगा 2 दिसंबर को। उसी के चलते दौरान हम प्रैक्टिस डे पे पहुंचे हैं, जहां पर बंगाल वॉरियर्स की टीम प्रैक्टिस कर रही है। हमारे साथ हेड कोच और कुछ प्लेयर्स मौजूद हैं। हम के भास्करन सर से बात करेंगे। सर, फर्स्टली थैंक यू बात करने के लिए। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि 10वां जो सीजन आ रहा है, आप कितने एक्साइटेड हैं और किस तरह की तैयारी और प्रेपरेशन चल रही है टीम को लेकर? अभी अक्टूबर 16 से प्रिपरेशन चल रहा, अपना के 1.5 महीना मिला, उनके लिए टेक्निकल टैक्टिकल एंड स्ट्रेटजी के लिए ज़्यादा फोकस कर रहा, फिटनेस मेंटेन कर रहा। वो प्लेयर लोग को बहुत इंटरेस्ट है। अभी ये सीजन में जान कुन निकल के जीतने के लिए वो पूरा तैयार। सर, आप एक फॉर्मर इंडिया कोच भी रह चुके हैं, भारत के लिए खेल भी चुके हैं, सर आपका एक्सपीरियंस और तजुर्बा टीम के लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा? आप बोला सही है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कितना खेला, कितना कोचिंग किया, कितना प्लेयर के साथ है, कितना प्लेयर का कैसा कैसा मूवमेंट है, डिफेंस में भी ऑफेंस में भी, वो हिसाब से अपन कोचिंग दे रहा। वो क्वेश्चन है मुझे के पूछने के पहले मेरे प्लेयर को पूछा तो आपका अच्छा कुछ आंसर मिलेगा। हमारे साथ असिस्टेंट कोच सुरवे सर भी है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि महाराष्ट्र भी एक इमर्जिंग हब है, इस टीम में काफी महाराष्ट्र के प्लेयर्स हैं, एक जमाने में हरियाणा ने कॉन्कर करके रखा था। सर, क्या कहेंगे कि हमारे स्टेट को लेकर अपकमिंग टैलेंट, जो बल्कि ना सिर्फ इस टीम में बट प्रो कबड्डी लीग इन जनरल में देखने को मिल रहा है? 100% महाराष्ट्र में टैलेंट्स बहुत है और नेशनल में प्रूव भी कर रहा है महाराष्ट्र, और हम साल भर कैंप करके महाराष्ट्र से टैलेंट ढूंढा है, तो इस टाइम सरप्राइज पैकेज आपको देखने को जरूर मिलेगा। सर, एक कोच के दौरान मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो हम बोलते हैं द टीम्स टू वॉच आउट फॉर और लुक आउट फॉर, सर ऐसी कोई पर्टिकुलर टीम है जिसके अगेंस्ट आप एक स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं या प्रेपरेशन खास उनको मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं? नहीं, ऐसा हम सभी टीम को मद्देनजर रख के स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी टीम इक्वली लग रहा है, ऐसा कोई बड़ा टीम या छोटा टीम नहीं है इस सीजन में, तो हम वैसे ही मैच के पहले स्ट्रेटेजी बनाएंगे। कैप्टन मनिंदर सिंह, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पहले तो आप सेकंड हाईएस्ट प्राइस पे इस सीजन के ऑक्शन में गए थे, तो कहीं ना कहीं आप वो बात पीछे छोड़ चुके हैं और प्रेपरेशंस में क्या वो आपके दिमाग पर चल रही है या कैसा है? ना, ऐसे तो कुछ नहीं है ना भाई जान, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये तो उसी का है ना। बाकी इधर कैंप में आके हमारी जैसे प्रैक्टिस चल रही है, तो उसका कोई प्रेशर नहीं है ऐसे ना कि मेरे को इतनी बोली लगी या कुछ भी, तो हम अपनी गेम करेंगे अपना। हाँ जी, टीम स्पिरिट्स या मनोबल कैसा रहेगा, क्योंकि जो प्रीवियस सीजन थी, पिछले वाली सीजन थी, उसमें टीम ने सेकंड लास्ट पोजीशन पर समाप्त किया था, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर या टेंशन लोगों के दिमाग पर अभी भी है प्लेयर्स के, खास तौर पर कैंप में? नहीं, पिछले सीजन की कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि अभी ये नया सीजन है तो नई टीम है अपनी, है ना, तो अभी यंग लड़के हैं बहुत बढ़िया, तो इस बार मतलब श्रीकांत बहुत फिट है, तो एक लड़का नितिन है वो भी बहुत फिट है ना, तो मैं भी फिट ही हूँ इस बार, है ना, तो इस बार हम करेंगे कोशिश कि हर मैच जीतने की, है ना, तो यही है। हाँ जी, आप एक बहुत ही फास्ट और डेंजरस रेडर के तौर पर भी माने जाते हैं, तो क्या आप जो ऑपोजिशन टीम्स हैं उनको इस साल डरा कर रखेंगे और बताएंगे कि बंगाल वॉरियर्स के कप्तान हम हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो बच के रहिएगा? ना, ऐसे तो कुछ नहीं है भाई, हम भी मतलब किसी से डर के नहीं खेलते हैं ना, तो दिल से खेलते हैं। बाकी ये है कि जैसे हमारा मैच आता है किसी टीम के साथ ना, तो हम ये नहीं देखते कि अगली टीम में मतलब कौन खेल रहा है कौन नहीं, हम अपना प्रदर्शन करते हैं। हाँ जी, आपसे और टीम के काफ़ी खिलाड़ियों से एक्सपेक्टेशंस है, आपकी फिटनेस पर भी मैं जानना चाहूँगा, क्या पूरी तरह से फिट है और सीजन के चलते हुए ओपनर के लिए क्या पूरी तरह से तैयार है? हाँ, अभी 1.5 महीना हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, और फिटनेस बहुत अच्छा हुआ है, दोनों कोचेस ने भी लिया, तो हम लोग रेडी है मैच खेलने के लिए 4 तारीख का मैच। ऐसी कोई खास नई टेक्निक अगर आप लोग ने अपनाई हो या आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या आपका यूजुअल रूटीन रहता है? देखो, सुबह प्रैक्टिस रहता है और शाम को मैच प्रैक्टिस रहता है, सुबह फिटनेस रहता है, तो उसी तरह से कोचेस हम लोग बताते हैं, तो उस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आपसे मैं खास तौर पर समझना चाहूँगा कि आप एक रिलेटिवली यंग खिलाड़ी के रूप में आए हो इस टीम में, तो मनिंदर सिंह का और कैप्टन और कोच भास्करन सर का कितना इनपुट रहता है टीम के बाकी खिलाड़ियों को, और पर्सनली आप पे उसका कितना असर पड़ता है, आप क्या चीज़ें जो है जो आपने अपने जहन में या दिमाग में उतारी है?
हमारी टीम के कोचिज हैं सर, अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं दोनों टाइम, और मनिंदर सर भाई साहब हैं, हमें बताते हैं गलती करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सर आपसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर, व्हाट इज आपका इस सीजन का लक्ष्य क्या होगा, क्या क्या एम होगा, क्योंकि पिछली बार जब टीम ने कप जीता था वो 2019 था सर, तो तकरीबन 4.5-5 साल का गैप आ चुका है ऑलमोस्ट। पहले सब लोग सब कोच सब प्लेयर बोलेगा हम जीत हम चैंपियन बनेंगे, भारत टीम चैंपियन बनने के लिए आ रहा, ये सीजन अपना का स्ट्रेटजी चेंज किया, हर एक मैच अपना का लक्ष्य अपना का टारगेट अप हर एक मैच। कैप्टन सर आपको लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपके टीम में एक दो ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो एशियन गेम्स खेलकर अभी फ्रेश आए हैं, तो उनका कितना ही योगदान और एक्सपीरियंस मैटर करेगा टीम को हर एक मैच जीतने में? एक्सपीरियंस मैटर करता ही है ना, एशियन गेम बहुत बड़ा टूर्नामेंट है ना, तो जैसे निधर रावल खेल के आया अभी वो, तो उसका हमारी टीम को बहुत ज़्यादा फायदा होगा ना, जैसे डिफेंस है तो डिफेंस में थोड़ा वो संभालेगा, बाकी जो शुभम शिंदे और वैभव गर्जे लड़का ना, एक नया लड़का है श्रेयस, तो सभी अपनी अपनी जगह बढ़िया काम कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस में तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बाकी मैच में देखते हैं जाके। जी जी आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। जैसे कि आपने देखा मेरे पीछे बंगाल वॉरियर्स की जो टीम है, यहाँ पर उनके प्रैक्टिस वेन्यू में पहुंचे हैं प्रो कबड्डी लीग के पहले, उनका मनोबल और स्पिरिट्स पूरी तरह से ऊपर है, और 2 दिसंबर को जो ये है टूर्नामेंट शुरू होगा और बंगाल वॉरियर्स फिर से सेकेंड टाइम कप जीतने का प्रयास करेगा। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।